अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त दुबई में हूं और होटल में अभी आया हूं, जिस काम के लिए आए थे वो करके आए हैं। एक प्रॉपर्टी का एक्सपो था, उसमें परफॉर्म करके फिर खाना वाना खा के। तो बेगम साहब अपने चैनल के लिए वीडियोस बना रही थी तो मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं उनकी ड्यूटी पे था, मैं कैमरामैन बना हुआ था। तो अभी मैं अपने होटल आया हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए एक व्लॉग बना लूं। और अच्छा, मौसम आजकल बड़ा अच्छा है और थकावट बड़ी हुई हुई है क्योंकि सारा दिन पहले वो शो किया, फिर खाना वाना खाया, खाना खा के आए तो अब एंटर हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूं। कितना ज़बरदस्त फूल है और ये ओरिजिनल हैं, झूठे नहीं हैं, ये नकली है, नकली नहीं है, असली है। तो आप समझें कि ये नकली है। तो मेरा ख्याल है कि सो गए होंगे सारे, मैं चलता हूँ। बेगम साहब सोई नहीं अभी? नहीं, आप तो पहले सोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भेज दिया, मैं थोड़ी देर पीछे रुक गया था। दुबई आके आप कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। दुबई आके ठीक नहीं लग रहा है। यूट्यूब पे आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हैं? आ रहे हैं आप आ रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल पे। तो रैम्बो साहब के चैनल पे आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हालात और बाकी हैं? कुछ नहीं, बस अजी भाई जी, ये साउथ के भाई हैं और हम सब के भाई हैं। अजी भाई, अजी है, मैं आपके इधर लेके आता हूँ। सारा देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन हमसे छोटे हैं। छोटे हैं, छोटे हैं, क्योंकि ये संजीदा चुप रहते हैं। सौ साहब तो मौफिश हैं काफ़ी। हाँ जी। अच्छा, ये लेकिन हम थोड़ा क्या रिलैक्स हो गए, ताजे हवा ले। कमरे तैयार है, पराठे पराठे नहीं पकाया? वो उसका नहीं पता, किसी को पता ना चले। अच्छा, पराठे कहाँ से आ रहे हैं? दुबई में होकर ये इस टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? तुम यहाँ पे, मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ बैठी लॉबी में। हाँ। इसका क्या जवाब है आपको? आप अपने कमरे में बैठे ना, लॉबी में बैठ के क्यों इंतजार कर? डर लगता है अकेले कमरे में। अकेले कमरे में डर लगता है यार, मेरे ना रह के डरती नहीं कि देखो कैसे अरे का डरना आपको मुझसे चाहिए। हाँ नहीं, देखे नहीं डरना नहीं जिस तरह। अच्छा, लेजेंड नहीं यार, हमें लेजेंड ना बनाओ, छोटा ही रहने दो और काम करने दो। मैं ठीक ठाक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अजी भाई, आपने शो किया था 1998 में पहला शो किया। पहला शो किया था हमने, मेगा स्टार शो। हाँ, के मेगा स्टार शो था हमारा सबसे पहले 1998 का, और जिसमें आप लोगों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाँ जी, बड़ा अच्छा रिपीट हुआ था। नहीं, 98 नहीं था, 2001 था, न्यू मिलेनियम में था। नहीं, फिर वो सुपरस्टार था। उसके बाद हम गए थे। हाँ, तो मेगा स्टार के अंदर आप लोग थे। मैं मेगा स्टार हूँ ना, तो मेगा स्टार भी बहुत हूँ। 2001 का था जिसमें बहुत एंजॉय किया था हमने। आपकी वहाँ से बड़ी अच्छी डांस परफॉर्मेंस थी। ओए होए होए, आपने ऐसा इंडिया की आर्टिस्ट नहीं थी। हाँ, इंडिया की डांस इन्होंने नहीं किया था परफॉर्मेंस। हाँ। है ना, याद है डॉक्टर साहब? डॉक्टर मेहता की मिसेस बेटी 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 यस यस, वो उनसे मुलाकात लगा रही थी। आज भी, आज अगर आप उनका भी चैनल देखिए। अच्छा, लड़की माशाल्लाह बड़ी हो गई, उसके दो बच्चे हो गए माशाल्लाह। तो अब आप उसको जाके देखिए, डॉक्टर है वो। अच्छा, बेटी भी डॉक्टर है और क्या, हस्बैंड भी डॉक्टर है। अरे वाह, तो बहुत अच्छा उसका वो है। अभी अभी आप कुछ अनाउंस कर रहे हैं तो दोबारा का शो? हम ये सोच रहे थे कि अपना हम एक जो हमने मेगा सुपरस्टार किया था उसका हम मेगा सुपरस्टार रीलोडेड करते हैं। मेगा सुपरस्टार रीलोडेड, रीलोडेड, हाँ, दोबारा से। अच्छा, और उसको इशारा करते हैं सर, अपने दोबारा से स्टारों पर लेके आते हैं।
आप लोगों का एक डिमांड है एक आप लोगों की पहचान है अमेरिका में, लोग बड़ा पसंद करते हैं जी जी। और मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ कि इसमें वो नहीं है कि आज का नया टैलेंट जो है अच्छा होगा यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते और अपने लोग आई नो किसको जानते हैं, आप लोग को जानते हैं, सूर को जानते हैं, तो आज तक बनाना चाहते हैं आप लोगों का फिल्मों में वो नहीं कर सके जो आप लोगों ने किया, नो डाउट। इसके लिए लोग बड़ा ये आपकी और देखने वालों की और चाहने वालों की मोहब्बत है जो हमें अभी तक उन्होंने दिल में बसाया हुआ है और वो देख बहुत जल्द आ रहे हैं हम लोग बहुत जल्द इंतजार कीजिए हमारा और उसकी वजह ये इंतजार कीजिएगा और उसकी एक और वजह भी है आज भी हमारे इंडियन आर्टिस्ट आज भी अनिल कपूर आते हैं हाँ जी शो सोल्ड आउट होते हैं यंगस्टर आते हैं आपको मालूम है कि 2000 का हमें हॉल लेना पड़ता है लेकिन आज भी अनिल कपूर आ जाए अमिताभ बच्चन आ जाए यू नो शाहरुख खान आ जाए सलमान खान आ जाए जो लेजेंड है 30 साल से वो सोल्ड आउट शो करते हैं। यंगस्टर के ऊपर आज भी हम अमेरिकन एयरलाइन में शो नहीं कर सकते, हम छोटे ही थिएटर लेते हैं 1500-2000। हमने सलमान खान ने किया था, सलमान खान यू नो 30-35 साल से लेजेंड है, 18,000 आदमी थे। ओहो अच्छा, लेकिन आज तक उसकी उधर उस अरीना में आज तक किसी का शो नहीं हुआ सलमान का। इसलिए जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं उन्हीं को लोग फिल्म एक्टर समझते हैं, यंगस्टर को लोग मानते नहीं हैं। इवन दो यू नो वी काम कर रहे हैं और फिल्में अपनी बना रहे हैं और यू नो एक किसी का कोट मैं यूज़ करता हूँ, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की थी कि आजकल के प्रोड्यूसर जो हैं वो एक्टर खुद ही हैं। जैसे आप लोग के पास प्रोड्यूसर आते थे ना पैसे देने और साइन करवाने और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, अब वो खुद ही बैठ के खुद ही साइन कर लेते हैं मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो उसकी वजह से बहुत डैमेज है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जो लोग बॉक्स ऑफिस पे वैल्यू होनी चाहिए। हाँ फिल्म एक्टर की। अच्छा आप ये बताएं कि साउथ साहब की फिल्म कब आ रही है? नहीं नहीं इंशाल्लाह तो लगे हुए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सरप्राइज देने का। अच्छा अमेरिका वालों के लिए तो ये खुशखबरी अभी मिली है, मुझे पता चला है अजीब भाई ने बताया कि जी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये फिल्म स्टार्स को लेकर दोबारा आपके सामने आ रहे हैं। आपके मैसेजेस से हमें पता चलता है कि यूरोप और अमेरिका और यूके में जितने लोग हैं हमें कितना प्यार करते हैं, तो अमेरिका हम आ रहे हैं हमारा इंतजार कीजिए। हाँ जी एरिया है शिकागो में और बदला शो में उनकी ज्वाइन करेंगी। हाँ जब एरिया शो में इंशाल्लाह देखिए इसमें उनको हाँ लेकिन उस शो में तो करेंगे ना अमेरिका वाले शो इंशाल्लाह। हाँ वो भी होंगे। अच्छा अच्छी टीम बनेगी जवेरिया, आप मैं और साहिबा कंफर्म है, 4 तो पक्के हो गए हैं। ओके जी बहुत जल्द आ रहे हैं, एडवांस आने वाला है, एडवांस भी आने वाला है। अच्छा हाँ ये बाकी लोग कौन है बाकी? अच्छा भाई ये तो हो गया, अब अगला वाला आप क्या समझती है कि ये होना चाहिए? इंटरव्यू हो रहा है अचानक मेरा जी अचानक नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और डिफरेंट स्टाइल से जो शो करें इंशाल्लाह उसी स्टाइल से करेंगे और वो बड़ा अच्छा क्लासी स्टाइल है। वो क्या बस वो हम जब आएंगे तो बताएंगे उसके, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा आप ये नहीं बताना? हाँ ये लोग जब वहाँ पे देखेंगे तो उनको पता लगेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तजस्सुस रहना चाहिए क्या है। ये जो तजर्बा करने जा रहे हैं ये पहले कर चुके हैं, बड़ा हिट। हाँ अच्छा हिट ही है। हाँ इंशाल्लाह अब देखिएगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। हाँ अच्छा ये जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी है और यहाँ व्यू भी बड़ा खूबसूरत नजर आता है जी। और अभी तो बाहर अंधेरा हो गया है रेम्बो साहब आपको। अच्छा ये वो जगह है जहाँ पे फर्स्ट PSL की पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स थे। अच्छा यही ठहरे सारी टीम के जितने भी स्टार्स क्रिकेटर्स जो दूसरे पूरी दुनिया से सारे इधर आके थे। ये बहुत बड़ा है यहाँ पे 30 मंजिल 25 मंजिलों का
हमारे मुल्क में तो 1300 से ऊपर 1400 ऊपर नहीं बना। नहीं अभी बन गए, 20 तक तो बन गए। 20 तक बन गए हैं। हाँ। चलें कभी हम 25 क्रॉस करेंगे। कर जाएंगे बहुत कुछ करेंगे अभी। हाँ चलें जी। अच्छा काफ़ी रात हो चुकी है, सोना चाहिए। सुबह हमने अपना उसमें हमारा लंच है, डिनर है कल। और इस खुशी में कि 2 साल बाद मिले। लॉकडाउन पक्के दोस्त मिले हैं बड़े अरसे के बाद। पक्के बहन भाई दोस्त सबके साथ वीडियोस आप देख रहे थे, लेकिन फिर साउथ साहब के साथ आप वीडियो। इत्तेफाक पता है क्या हो रहा है, जब ये कराची था तो मैं जवेरी और रहता, हमने अपनी वीडियो बनाई। अब हम दुबई है तो तुम रैम्बो और मैं जवेरी। नहीं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे हम चारों के एक साथ। मेरे चैनल पे तो यही गुफ्तगु है जो आप देखेंगे, और जो प्रॉपर घूमना फिरना और शॉपिंग है वो आप देखेंगे लाइफस्टाइल विद साहिबा पे, क्योंकि साउथ भाई है ना आपके। हाँ साउथ भाई, मैं तो कराता ही रहता हूँ ना साउथ भाई। इतना भाई अच्छा है, इतना गुस्से में ना कर यार, 2000 मार दे चल। नहीं तुम्हें वो मैं 2 मारूंगा, 4 मारेगा। साउथ से पैसे निकलवाना क्या कहते हैं, शेर क्या साफ के फिल्मों। लेकिन ये रिश्ते अच्छे होटल में ठहरे थे पहले। नहीं लेकिन ये जो रिश्ते निभाता है बहुत अच्छे निभाता है। आप बहन है तो ये शॉपिंग आप बेफिक्र हो, मैं तो करा ही रहा हूँ ना शॉपिंग, तो भाई की तरफ से जो शॉपिंग होगी मजा तो उसका है। उसका ऐसा आएगा ना, इंशाल्लाह तुम्हें बुरखा और हजाम मेरी तरफ से ये शॉपिंग है, बहुत जल्द देखेंगे आप। इंतजार कीजिएगा बहुत जल्द। अच्छा बहुत अच्छे बात हम हंसे हैं और हम तो माशाल्लाह हंसना ही भूल गए, टच वुड माशाल्लाह आज ग्रीस का पल्ला बात टच। अच्छा इंशाल्लाह जी अगले भी लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात, बहुत जल्द आप लोग से मुलाकात अगले एपिसोड में। बहुत जल्द इंतजार कीजिएगा। आप देख रहे हैं जान रैम्बो YouTube चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।